आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एयर इंडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनसाल पंचायत में। ये ज़िला रियासी में है और यहाँ पर बहुत सारे जो है लोग जमा हुए हैं, उनका मुद्दा कोई रोड का है और हम इन्हीं से पूछते हैं कि क्या मामला इन्हें पेश आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीर अहमद पंच है। तो हमारा मुद्दा ये जनाब, हमारा रोड कई सालों से रुका पड़ा था और ठेकेदार साहब ने यहाँ तक पहुँचाया 17 किलोमीटर। इसके बाद जो रोड 4 किलोमीटर बैलेंस रहा है, पीएचई वालों ने कोई पैपों का मुद्दा उठा के इस रोड को बंद किया है। लिहाजा हमको रोड की बहुत ज़रूरत है। हमारे कई लोग जो बीमार हैं वो मर चुके हैं ऐसे ही रोड तक पहुँचाने तक। हम देहात एरिए में रहते हैं, वरना रोड को पीएचई वालों से गुजारिश है डबल ए से जेई से ये रोड निकलना दें। तो क्या आपने पीएचई वालों से कुछ बातचीत की इस बारे में? डीसी मैडम जी के पास गए थे, उन्होंने बोला कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो लिहाजा ये रोड का काम चल रहा है। जमीनी सतह पे जो रोड का काम अरसा 20-25 दिन से बंद पड़ा है। तो जेई साहब से बात हुई आपकी? हाँ, जेई साहब से भी हुई, वो मौके पे भी आया, उसने टाल मटोल करके निकल गया यहाँ से। तो एडब्ल्यू वगैरह से किसी से बातचीत हुई हो? हाँ, सबसे हुई है, पूरे महकमे से हुई है। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना ये है कि चालू करेंगे जी, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो जमीनी सतह पे कुछ नहीं किया। सरपंच धनसाल फारूक शेख, हमारी एक पुरानी दरिंदा मांग थी कि रोड का, हमारी पंचायत धनसाल में कोई रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, लिहाजा पीडब्ल्यूडी की तरफ से 2 किलोमीटर जो बनी थी धर्मथा से ऊपर तक, उसके बाद पीएमजीएसवाई की जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसमें से 17 किलोमीटर है जो ये बग्गा तक पहुँच गया है। इधर से आगे जो 4 किलोमीटर धंधली की दूरी पे जो है पुराने लोग बेचारे जो जितने बुजुर्ग लोग थे उनका कहना था, कुछ लोग मर चुके हैं इस रोड की खुशी में कि आज रोड पहुंचे कल पहुंचे, आते आते बग्गा में ये रोड बंद हो गया। उसके बाद हम रियासी भी गए, डीसी मैडम जी के पास भी गए थे, रियासी में जो पीएमजी के बड़े ऑफिसर साहब उसके पास भी हमने उनको भी बोला कि हमारा ये मसला है, रमज़ान के बाद ये काम जो बंद है। उसके बाद हमने पीएचई वालों को भी हमने बोला, जेई साहब भी मौके पे आए, उन्होंने बोला कि हम इसको कुछ ना कुछ हल कर देंगे, लेकिन हल नहीं हुआ। बंद हुआ क्यों है? बंद अब ये दोनों डिपार्टमेंट जाने, पीएमजीएस रोड वाले भी जाने और पीएचई वाले भी जाने, क्योंकि ये कुछ जो लाइन जो है ये पीएचई डिपार्टमेंट की है, रोड का मसला पीएमजीएस का, दोनों डिपार्टमेंट। तो यहाँ तक जो जुड़ा से क्रॉस होकर अभी तक यहाँ पर धनसाल में आ गया है, लेकिन वहाँ तक भी तो पाइपें बिछी हुई थी। वहाँ भी पाइपें बिछी थी, वहाँ ये काम चल रहा था, लेकिन धनसाल में आते हुए शायद हम कोई गरीब लोग हैं, कोई गरीब पंचायत है, यहाँ सोचते होंगे कोई गरीब लोग हैं इनको और दबाएं, इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि हमारी आवाज़ ये उठनी चाहिए और हमारा ये जो है काम 3 या 4 दिन में ये मसला हल होना चाहिए। ये इतने लोग बेचारे पहाड़ी एरिया से कितने दूर से लोग आए हुए हैं, हमें पंचायत वालों को भी ये नहीं बैठने देते हैं कि आप ये क्या आप भी इसमें ढीले हो, इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि हमारा जो ये मसला है 1-2 दिन में हल होना चाहिए। मौके के एक्शन साहब जो मोहर के हैं पीएमजीएस वाले वो यहाँ आए और पीएचई वाले भी आए, दोनों डिपार्टमेंट आए यहाँ आके गरीब लोगों की बात सुने, हम लोग परेशान हैं। अगर आज 2022 में भी हमारा अगर ये मसला हल नहीं हो सकता तो फिर हमारा इधिकार ही नहीं है, फिर हमारा यहाँ जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि हमारा पूर्व मन ये हमारी आवाज़ डीसी मैडम जी को भी पहुँचनी चाहिए। हम गए भी थे मैडम जी के पास, उन्होंने बोला कि एक्शन साहब की हमारे पास अभी कोई वहाँ रोड शायद चल ही रहा है, हमारे पास कुछ ऐसी नहीं पहुँची, लेकिन ये 24 रमज़ान के बाद ये जो है यहाँ और भी लोगों को पूछा जाए कि 24 रमज़ान के बाद मशीन नहीं लगी, काम ठप है, तो इसलिए हमारी ये पुरानी दरिंदा मांग थी कि ये रोड जल्दी पहुंचे, हम लोग देखें, हम लोग भी कहीं कुछ किसी मंजिल पे पहुंचे, कोई अपने कारोबार करें,
बुजुर्ग लोग बीमार होते हैं, उठा के जाना रास्ते में ही कई लोगों के दम उठ जाते हैं, हमारा सामान ही नहीं पहुंचता है, दूर दराज एरिया है, अगर एक दिन घोड़ा कहीं भेजना दो तीन दिन के बाद पहुंचता है, इसलिए अगर आज भी हमें ये सहूलियत नहीं मिले तो फिर हमारा जीने का कोई इतकार ही नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरशबीर अहमद। तो किस मुद्दे के लिए आज वो यहाँ पर इतनी पब्लिक पंचायत धनसाल डिस्ट्रिक्ट रियासी जिला अरनास के रहने वाले हैं हम सर। बहुत सालों से ये रोड की मांग थी सर, चलते चलते ये जब रोड पंचायत धनसाल में पहुंची सर तो रोड हमारा अचानक से बंद हो गया। एक डेढ़ महीने से रोड बंद है, हमारी पुरजोर अपील रही, इस रोड के लिए हमने कठिन किया, नुकसान झेले, सब लोगों ने रोड का तावन दिया, तो रोड के तावन के बावजूद जब हमारे पीएचई साहब यहाँ पे आए, अब ना जाने ये गेम चल रही है, ये ठेकेदार का मुद्दा है, पीएमजीएसवाई का मुद्दा है या के पीएचई वालों का है, ये हमें नहीं पता। इतने सारे लोग, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो बेचारे इस पहाड़ी इलाके में, दूर दराज इलाके में हमारी आवाज़ को ऊंचा करने के लिए आए, हम सबसे पहले आपका शुक्रगुजार है मेरे भाई। यहाँ कोई आके राज़ी नहीं है, यहाँ देखो सबसे पहले कितने सारे लोग गए, इनकी तरफ थोड़ा आप कैमरा घुमा सकते हैं, दूर दराज उन पहाड़ी इलाकों से ये चल के आए, सब लोगों को आज मजबूरी है, ज़मींदारी का काम है, मक्की का टाइम है, लेकिन मजबूर हमको गवर्नमेंट मजबूर कर रही है। सबसे पहले हमारी ये रिक्वेस्ट है, अगर पीएचई वालों ने ये मुद्दा अपना खड़ा कर दिया कि हमारी पाइप के साथ कोई बंदा हाथ ना लगाए, अगर किसी ने हाथ लगाया तो हम FIR काटेंगे। उसके बाद दूसरी बात हमारी ये है कि हम तो कुछ पीएचई वालों को ये मालूम नहीं है कि इस रोड की क्लियरेंस जो है ये 22 किलोमीटर की। पीएचई वालों को सर मालूम है, जब 24 रमजान को ठेकेदार के बंदे जो यहाँ पे मुंशी ऑपरेटर थे, काम कर रहे थे, वो जब वापस घर में चला गए तो पानी दरमत्ता से यहाँ तक बंद रहा, जब ये घर गए 15-20 दिन के बाद उनको पानी आज तक जा ही रहा है, तो आज उनका ये कहना है कि ये पानी जो है इसके साथ हाथ नहीं लगाना है। हमारी यही मांग है कि हमारी रोड 17 किलोमीटर 0 पॉइंट से यहाँ पंचायत धनसाल वार्ड नंबर 6 के अंदर बन के आई है, 4 किलोमीटर ये बकाया यहाँ से धनली तक ये रोड हमारा वहाँ तक जाना चाहिए सर, तो ये हमारी मांग है। जो आप जो जिला इसके डीसी मैडम के पास गए थे आप? हाँ हाँ मैडम जी के पास 11 मई को गए थे, हमारी मैडम सरपंच साहिबा आई, पंचायत बाड़ी के पूरे हम पंच सरपंच नायब सरपंच हम सब लोग गए थे सर, उन्होंने हमारी बात जो है वो दिल से नहीं सुनी, पता नहीं ना जाने क्यों सुनी। हम भी उनके पास पहली बार गए, इससे पहली बार जब हमारा रोड बंद हुआ तो वहाँ पे अपने डीसी साहब चरणदीप सिंह जी थे, 5 मिनट में ओनली 5 मिनट में उन्होंने हमारा मसला जो है हल किया था। हमने अपनी बात मैडम जी से रखी, उन्होंने हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ये बात बोली कि भाई आप अपने मसले में होंगे, कोई पैंच बोलता होगा ऊपर के लिए, कोई पैंच बोलता होगा तो नीचे क्या के वैसा लिए। है यहाँ पे कोई वैसा नहीं है। आज ये वीडियो खास करके मैडम जी भी इसको देखनी चाहिए कि ये लोग जो हैं ये एकजादी के साथ चाहते हैं कि ये रोड जो जा रहा है ये इसी लेवल जिस पे आया, जिस सर्वे पे आया, इसी सर्वे पे ये धनली तक जाना चाहिए। और पीएचई वालों से भी हमारी ये गुजारिश है, पुरजोर अपील है, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हमको मजबूर ना किया जाए। दूर दराज इलाके के लोग रहने वाले हैं, दुखी लोग हैं बेचारे, यहाँ पे वक्त पे कोई ऑफिसर आके राजी नहीं है। अगर 2 या 3 दिन में इन महकमे वालों ने या पीएमजीएसवाई के लोगों ने मशवरा करके इस रोड को नहीं खोला सर, तो हम चंद दिनों के बाद 2 दिन के बाद आज 14, 15 और 16, 17 तारीख को यही लोग खुद अपना फैसला खुद अपने हाथ से करेंगे, अगर ये बनाना भी चाहते हैं, ये बिगाड़ना भी चाहते हैं। लिहाजा ये हमारी यही गुजारिश है कि हमारा जो रोड का काम बंद है ये कुछ ही दिनों के अंदर चलना चाहिए, यही हमारी गुजारिश है। इतने सारे बेचारे लोग आ जाएं, अपना टाइम निकाल के आएँ, अगर ये मसला यहाँ पे हल नहीं होता है तो यही जितने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं यही लोग जाके उसी मैडम जी के पास जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर रियासी, तो उसी का दफ्तर हम आकर फिर मजबूर हो जाएंगे खड़खड़ाने के लिए, क्योंकि हम गए थे, हमारी बात को दिल से मैडम जी ने नहीं सुना, उसने नहीं सुना, तो आज इन लोगों को मजबूर होकर यहाँ पे आना पड़ा। ये बेचारे जो मुंशी साहब हैं रोड के यहाँ पे, इनका भी इन मशीनों का शायद कैरेज दिन ब दिन चढ़ रहा है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि हमारे रोड को भाई चलने दो, और पानी का जो मसला है उसको पीएचई डिपार्टमेंट संभाले और इनको रिटर्न में लिख के दे। हाँ जो कहीं FIR नीचे इनके खिलाफ कहीं पता नहीं क्या दिया है नीचे चौकी, लेकिन आज से पहले क्या इनको किसी ने रिटर्न में दिया कि आप काम करो? नहीं आज तक दिया होगा वो वही जानेंगे, हमें तो इतना मालूम नहीं है,
वो तो मुंशी साहब जाने या वो अपना ठेकेदार साहब जाने जिसका तो काम है। आज ये बात क्यों कह रहे हैं कि हमें रिटर्न में चाहिए? आज के बाद वो चाह रहे हैं कि इनको मजबूरी कर रहे हैं बेचारों को, इसलिए ना जाने वो डर के मारे अब वो कर रहे हैं एप्लीकेशन। हाँ एप्लीकेशन इनके खिलाफ नीचे दी है हमारी क्राइम चौकी धनसाल के अंदर, वहाँ किसी ने एप्लीकेशन दी है कि भाई आप पानी चलने दो और रोड को बंद रखो। मतलब पानी हमारा, रोड हमारी, जगह हमारी, नुकसान हमारा। अब क्या हो गया, 4 किलोमीटर की बात है, आप इतना क्यों? यहाँ तो ये सियासी गेम चल रही है। अगर ऐसा भी होगा तो भी मेरी ये गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ास करके डिप्टी कमिश्नर मैडम जी तक ये बात मेरी पहुँचनी चाहिए कि वाक्य ये वही इंसान है जिसने बोला था कि मैडम जी अगर हमारा मसला हल नहीं होगा हम आपके पास फिर आएंगे। मैडम जी ने जवाब दिया मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरे साथी वहाँ पे थे, कि मुझे किसी जेई ने फ़ोन नहीं किया, किसी एक्शन ने फ़ोन नहीं किया, आप ना जाने ऐसे ही चल के मेरे पास आ गए। तो इसलिए ये हमारी गुजारिश है कि हमारा जो काम है ये चलना चाहिए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। तो ये थी जो है इनकी जबानी रिपोर्ट। तो हम भी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इनके जायज़ मुतालबात सुने जाएं और जल्द अज जल्द जो है इस काम को शुरू कराया जाए।